तो हे नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत करता हूँ स्वागत आपको अपने चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट पाने के लिए। दोस्तों अगर आप भी 2020 के लिए कर रहे प्रिपरेशन बिहार बीएड के लिए तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको लाइव क्लास बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ। फिलहाल मैं बताने वाला हूँ दोस्तों आज के वीडियो में आपको कि ये जो सिलेबस होगी LMNU की 2020 में बिहार बीएड की वो कैसी होगी और आपको कितने से कितने सिलेबस से पूछी जाएगी ताकि आप लोग बैठ कर फिर उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा नाम अशोक कुमार झा है, शुरुआत करता हूँ आपको सिलेबस बताना। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप भी चाहते हैं लाइव क्लास करना मतलब कि बिहार बीएड के बारे में तो आप अभी इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बस आपको तीन से छोटी छोटी तो बस तीन काम करनी है। सबसे पहली बात कि आप हर लाइव क्लास की पीडीएफ वीडियो पाने के मतलब पीडीएफ के पाने के लिए या फिर आप हर छोटी बड़ी न्यूज़ जानने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ओनली 10 रुपीज पे कर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, वहाँ पर मैं आपको हर छोटी बड़ी खबर और हर पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाऊँगा। अरे बस फर्स्ट टाइम पेमेंट है, आप करके जो हमसे जुड़ सकते हैं। सेकेंड, आप चाहे दोस्तों मुझसे आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का भी मैं लिंक जिसमें उसमें दे दिया हूँ, वहाँ भी मैं आपको हर टाइप के पीडीएफ में प्रोवाइड करवाऊँगा। और तीसरा, आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेनी है और हमारे जो प्लेलिस्ट है बिहार बीएड के ऊपर में वो आपको देखते रहनी है। और बहुत ही जल्द आपकी जो लाइव क्लास मतलब शुरू होने वाली है मेरी बिहार बीएड के ऊपर में, और हर दिन कम से कम 1 से 2 क्लास आपको आएंगे प्रीति मैम के साथ में। प्रीति मैम का LIC प्रीलिम्स चल रहा था, ठीक है, इसलिए वो नहीं ला पाई थी, लेकिन मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए LIC के बाद में माफ़ करना, यहाँ बिहार बीएड के बारे में बात करने वाले हैं हम सिलेबस के बारे में। जो आपको सिलेबस आने में वो इस तरह से है। तो नंबर वन पर जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, अर्थात जो आपको जो देखिए सबसे पहली बात ये है कि आपको जो कुल एग्ज़ाम होगी उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपसे नहीं होगी, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग इसमें है। उसके बाद सबसे पहला जो आपको सेक्शन होगा वो आपको होगा जनरल इंग्लिश का, और इस जनरल इंग्लिश के अंदर में आपको 4 सेक्शन, बस 4 से 5 सेक्शन ही सिर्फ पढ़ने हैं, वनली सिर्फ 4 से 5 सेक्शन। दोस्तों नंबर वन पर है फिल इन द ब्लैंक्स। इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको टेंस हो सकता है या फिर आपको प्रिपोजिशन हो सकता है या फिर कुछ और भी नए नए क्षेत्र से यहाँ पर आपको इंक्लूड हो सकते हैं। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको 1 से 2 नंबर के ज़्यादातर रहते हैं। सेकेंड है आपको एंटो साइनो, ठीक है, एंटो और साइनो से भी इसमें क्वेश्चन दोस्तों फंसेंगे। तीसरा है आइटम एंड फ्रेज, आइटम फ्रेज से भी दोस्तों इसमें क्वेश्चन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फंसते हैं। और दोस्तों चौथा है आपको स्पेलिंग इरर, ठीक है, स्पेलिंग इरर से आप मतलब कितना भी आप इंग्लिश में कमजोर क्यों ना हो आप स्पेलिंग इरर में आराम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने दोस्तों प्रीवियस ईयर कोचिंग की वीडियो मैंने बना रखी है, आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप आएंगे वहाँ भी दोस्तों आप फ्री में पा सकते हैं उसकी मतलब कि पूरी आपको 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 की पूरी डिटेल्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप वहाँ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। और चाहे तो आप हमें मतलब दूसरे वीडियो देख के भी आप वहाँ से पा सकते हैं। उसका दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये जो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इससे भी दोस्तों 1-2 क्वेश्चन आपको फंसते हैं, तो आपको इसलिए भी करनी है प्रीवियस की मतलब तैयारी करनी है इसके लिए भी। तो मैं आपको इसके ऊपर में क्लास बहुत जल्द लाऊंगा, इस सभी टॉपिक्स पर एक एक क्लास आपको प्रीति मैम के साथ में और मैं भी साथ में बहुत जल्द लाने वाला हूँ। सेकेंड दोस्तों यहाँ पर यह है सामान्य हिंदी। दोस्तों इसमें सामान्य हिंदी भी आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से, 15 क्वेश्चन आपको सामान्य हिंदी से आते हैं। सामान्य हिंदी काफ़ी आसान होती है, जैसा नाम है सामान्य, और इसकी हिंदी भी काफ़ी सामान्य रहती है। उसमें नंबर वन पर संधि एंड समास, ठीक है, संधि एंड समास से आपको क्वेश्चन आएंगे। नंबर टू पर उपसर्ग एंड प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन फंसेंगे। उसका रस छंद और अलंकार, ठीक है, रस और छंद और अलंकार से भी आपको क्वेश्चन फंस सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन। मुहावरे एंड लोकतिया कहावतें, इससे भी दोस्तों क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। उसका दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सिलेबस जुड़ा हुआ है, ये दोस्तों ऑफिशियल है, ठीक है, ये दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ 2019 के ऑफिशियल में आई थी और फिर भी इसी साल यही सेम रहने वाली, इसमें कोई भी चेंज आपको नहीं रहेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गधान से भी 1-2 क्वेश्चन फंसेंगे, इसमें आपको क्या होगा ऊपर में आपको दी जाएगी एक स्टोरी लाइन और उसी के नीचे आपको कुछ उसके अंदर में कुछ क्वेश्चन होगी तो आपको पैसेज की तरह होता है, वो आप बना सकते हैं आराम से। उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति काफ़ी आसान से बना सकते हैं। और व्याकरण से भी आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर फंसेंगे और पर्यायवाची से भी आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, पर्यायवाची और विपर्यार्थक। दोस्तों नेक्स्ट आती है सबसे भारी सेक्शन जो आप लोगों को लगती है वो है दोस्तों रीजनिंग, और इसकी रीजनिंग आपको मतलब कि इसके जो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया है तो ये आपसे नहीं बन पाएगी। तो इसके लिए भी दोस्तों ढेर सारे क्लास आएंगे, मैंने आपको हर एक टॉपिक के लिए हर एक क्लास मेरी आएगी, तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। इस लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में आपको अगर आप पहले से पढ़े हुए तो बहुत बढ़िया, अगर आप न्यू मेंबर है फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो तो भी बहुत बढ़िया और आप अच्छे से मैं सिखा दूँगा। दोस्तों नंबर वन है आपको सिलोलॉजिज्म, नंबर टू है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, नंबर तीन है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, नंबर थ्री पर स्टेटमेंट एंड द कोर्सेज ऑफ एक्शन,
नंबर फोर पर है स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन, इसके ऊपर मैं दोस्तों धीरे धीरे वीडियो में लाता रहूँगा, ठीक है। उसके बाद नंबर फोर पर है आपको डिराइविंग कंक्लूजन, नंबर फाइव पर है आपको एसेटन और रीजन, नंबर सिक्स पर आपको पंच लाइन, ठीक है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, फिर आपको कॉज एंड इफेक्ट और एनालिटिक रीजनिंग, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको नंबर फोर जो होंगे सेक्शन वो होंगे आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में, जनरल अवेयरनेस जो बोलते हैं जीए, हम लोग बोल सकते हैं जीए की तरफ में। इसमें से दोस्तों कुछ भी क्वेश्चन आपको फंसेंगे दोस्तों, अगर आप लोग को सिलेबस नहीं पता है क्या कैसे, मतलब मैंने आपको ऑलरेडी एक अच्छा लंबा खासा वीडियो बना दी है जिसमें मैंने आपको पूरी डिटेल्स दे दी है, जिसमें फॉर्म कब आएगी, इसकी एग्जाम कब होगी, इसका एडमिशन कब होगा, इसमें आपको अप्लाई कब करनी है, मैंने पूरी डिटेल्स बना दी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको जनरल अवेयरनेस के अंदर में आपको हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन फंसेंगे, फिर आपको ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन फंसेंगे, फिर आपको पॉलिटिकल साइंस से फंसेंगे, फिर आपको क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल इशू से फंसेंगे, जनरल साइंस से फंसेंगे, फाइव ईयर प्लान अर्थात पंचवर्षीय योजना से फंसेंगे, करेंट अफेयर में दोस्तों आपका करेंट अफेयर आपको रोज़ एक वीडियो आएगी प्रीति मैम की, आप लोग घबराना नहीं, सुबह सुबह रोज़ आपको सात बजे सुबह तक कल से आपको स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, टुमारो से, कल से, आज के बाद जो मैं कल आएगी तो करेंट अफेयर की आपको ये मैं बताएगी प्रीति मैम, आपको देख लेनी है। उसमें दोस्तों पूरे साल की रहेगी, ठीक है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक की रहेगी, और जो नेक्स्ट आने वाला है उसकी भी रहेगी, तो आप लोग प्लीज़ एक बार देख लेना। उसका दोस्तों अदर मिसलिनियस क्वेश्चन में भी आपको जो है इसमें कुछ पूछ सकती है। दोस्तों पाँचवा स्थान है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल। दोस्तों ये में जो है ये सब्जेक्ट जितना आपको आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक ही क्वेश्चन के चार मतलब रहेंगे उसके ऑप्शन, और आपको लगेंगे ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, मैं कैसे इसको बनाया जाए, ठीक है। जितना आसान है ये आप समझते हैं उतना आसान ये है नहीं, ठीक है, इसलिए मैं बताता हूँ इसको आप काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, जो पहले बीट एग्जाम दे चुके हैं उनको ऑलरेडी सब कुछ पता है, जो नहीं दिए हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ। और मैं बता दूँ आपको मतलब आपके नॉलेज के लिए, मैं जो हूँ 2016 में, 2017 में, 2018 में और 2019 के फोर ईयर्स बीएड और टू ईयर्स बीएड इस सभी में दोस्तों पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी उसमें सफल भी हुए हैं। इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि फटाफट मेरी क्लास आपको ज्वाइन कर लेनी है, और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप जो बीएड वाले हैं बस 10 रुपये की मामूली पेमेंट करके फर्स्ट टाइम पेमेंट करनी है, और हमें व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाए ताकि आपको हर वहाँ पर पीडीएफ फ्री मिल जाए। और दोस्तों मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसर्च इसमें आएंगे, उसका दोस्तों इसमें आएंगे क्वेश्चन आपको स्टूडेंट रिलेटेड इश्यू के बारे में, फिर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के बारे में, फिर आपको सर्कुलर एंड एक्स्ट्रा सर्कुलर के बारे में, फिर जो आगे आएंगे आपको मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के बारे में और फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में आएंगे। दोस्तों मैं आप दोस्तों बताता हूँ मैं क्लास कैसे कैसे लाऊंगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए दोस्तों आपको इंग्लिश की कुल मिलाकर 10 क्लास आएंगे, ठीक है, तो इंग्लिश के दोस्तों कुल मिलाकर आपको 10 क्लास आएंगे, वो 200 क्लास आपको ज्वाइन कर लेना। उसके दोस्तों हिंदी की आपको कुल मिलाकर 8 क्लास आएंगे, ठीक है, 8 क्लास में मैं आपको सब कुछ मैं कवर कर दूंगा, जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा पेपर क्वेश्चन के साथ में। फिर दोस्तों रीजनिंग की आपको कुल मिलाकर 15 क्लास आएंगे, ठीक है, कुल मिलाकर दोस्तों रीजनिंग की आपको 15 क्लास आएंगे। उसके बाद दोस्तों जीए का जो आपको ये जीए है इसकी क्लास अनलिमिटेड है, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक इसकी क्लास मतलब कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी मैं आपको लाते रहूँगा, ठीक है। इसकी आपको जीए में करंट अफेयर भी आती है, इसीलिए इसको मैं कह सकता कितना क्लास में लाऊंगा मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड जो मैं दिखा रहा हूँ इस पर मैं आपको 4 से 5 क्लास, ठीक है, ज़्यादा नहीं बस 5 क्लास काफ़ी है, 5 क्लास में मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं 3 से 4, 3 से लेकर 5 क्लास के बीच में भी इसको मैं ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो ये प्रीमियम पढ़ाती है आपको, तो ये ख़त्म हो जाएगी, आपको घबराए नहीं। उसके बाद दोस्तों एक दो क्लास होंगे जो कि आपको मिसलिनियस होंगे, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना मेरे क्लास को, अभी सब्सक्राइब करो चैनल को। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।